close till I get up. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग. सो आज ना कल बारिश नहीं हुआ ना, तो कल हुआ था लेकिन थोड़ा बहुत ही हुआ था, ज़्यादा तो बारिश नहीं हुआ था. सो इसलिए आज ना हमारा किचन रूम ना थोड़ा सा सूख गया है. सो इसलिए अभी हम बना रहे हैं चूल्हा में खाना. चूल्हा तो बहुत ज़्यादा गिल रहा था बट आग नहीं जल रहा था, बट मैं जला ली हूँ. सूखी सूखी लकड़ियाँ कल लेके आए थे ना, तो उसी से मैं जला ली हूँ. और अभी नाश्ता बन रहा है, चावल सब्जी कुछ नहीं, मतलब सब्जी तो बन रहा है, अभी नाश्ता बनाएंगे, चावल वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे. और बाबू इधर है, ये देखिए. तो अभी फटाफट से नाश्ता बनाते हैं और बाबू को देती हूँ, फिर वो काके जाएगा आंगनवाड़ी. तो इधर हमारा सब्जी हो गया है, चना आलू और बड़ी की सब्जी बनाई हूँ. और इधर बाबू के लिए चावल थोड़ा सा था तो उसको निकाल दी हूँ. और इधर बन रहा है रोटी, तो बाबू खाएगा अभी गर्मा गर्म ना बाबू. तो इसके लिए सब्जी निकाल देती हूँ पहले. बेटा कहा मेरी, इधर फटाफट रोटी ना सेक देते हैं बाबू के लिए. और आग तो बहुत ही मुश्किल से जला है, ये देखिए पूरा गिल्ला गिल्ला हो रखा है ना, इसी वजह से. और इधर हमारा रोटी हो गया है तो बाबू को दे देती हूँ गर्मा गर्म. रख भी आवरी बने करी. और ये देखिए आग तो जले ही नहीं जल रहा है. सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा नाश्ता बन चुका है. ये देखिए सब्जी तो मैं बना ली थी, बस रोटियां बनाना था, तो रोटियां भी हो गया है तो मैं अपने लिए निकाल ली हूँ. और बाबू ना अपना खाना खाके ना वो गया आंगनवाड़ी जाएगा अभी, तो टाइम भी हो गया ना, 10 बजने वाले हैं. और आज ना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया मेरा, तो अभी बस रोटी और सब्जी बनाई हूँ. और इधर चावल भी बनाना है और एक सब्जी बनाऊँगी, तो वो भी बनाने हैं. सो चलिए अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और अभी हम काट रहे हैं सब्जी, तो हमने नाश्ता कर लिए हैं और बाबू तो गया अपना आंगनवाड़ी. सो चलिए अभी फटाफट से ना सब्जियां काट लेते हैं. मैं सबसे पहले प्याज और हरी मिर्च को काट ली हूँ. और इधर आग तो जल ही नहीं रहा है, उसको फूकना पड़ रहा है बार बार. तो इधर मैं ना जो कुंदरू है ना उसको छाट लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा वाला को, और बाकी को रख दूँगी क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसीलिए. तो अच्छे से मैं ना धो के सभी कुंदरू को काट देती हूँ. और बहुत ही अच्छी लगती है वैसे, इसको मैंने सुबह ही खरीद के लाई हूँ. तो ये देखिए आग तो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा आग जलन कर रहा था तो मैं इस तरीके से करके बैठ गई थी. तो इधर सब्जी वगैरह मैं कट कर ली हूँ. और अभी इधर ना प्याज को भून लेती हूँ पहले, तो तेल मतलब गर्म हो गया था ना तो. और इधर साथ में ही टमाटर को भी काट लेती हूँ, तो साथ में ही हो जाएंगे सारे काम. तो अब ना इसमें ना सब्जी को डाल देते हैं. तो प्याज तो हो गए तो सब्जी को अच्छे से भून लेंगे. फाइनली मेरा खाना जो है अभी बन चुका है. बहुत ज़्यादा लेट हो गया है वैसे, अभी 10:30 हो गए हैं, 11 बजने वाले हैं. सो ये देखिए फाइनली अभी मेरा सब्जी जो है बन चुका है. कुंदरू आलू की सूखी मैं सब्जी बनाई हूँ. और इधर चावल को नहीं ले गई हूँ, और ये पास का सारा सामान जो है मैं ले गई हूँ. और बर्तन वन को ना पानी डाल के भिगो दी हूँ, नहीं धोई हूँ, अभी धोऊँगी सब्जी वगैरह को ले जाने के बाद. सो चलिए फ्रेंड्स, अभी सब्जी वगैरह को ले जाते हैं. और आज ना एकदम सा लगा मेरे को, इतना ज़्यादा लेट हो गया ना, तो नाश्ता तो वैसे कर लिया है तो बाद में खाएँगे आराम से. तो चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि हमारी सब्जी कैसी बनी है. सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी सूखी वाली. सो इसमें मैंने पानी नहीं डाली हूँ, ये देखिए. तो आप लोग के साइड क्या बोलते हो तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना, बट हमारे यहाँ कुंदरू बोलते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है वैसे. और अभी मैं यहाँ पे लकड़ियाँ डाल रही हूँ सूखने के लिए, तो यहाँ पे डाले रहूँगी ना तो सूख जाएंगे और फिर खाना बनाने में दिक्कत नहीं होगा. तो सभी लकड़ी को मैंने अच्छे से डाल देती हूँ. और अभी हम आए हैं यहाँ पे मिट्टी के लिए, लाल मिट्टी के लिए. ये देखिए बाल्टी लेके, बट ये देखिए जहाँ से मैं मिट्टी ले जाती हूँ ना, वो वहाँ पे पूरा पानी भर चुका है, सब लोग देख सकते हो. देखिए तो ये पास थोड़ा सा, ये देखिए ये पास थोड़ा सा है, यहाँ से निकाले हैं तो यहीं का मैं भी अभी निकालूँगी. सो चलिए अभी थोड़ा सा मिट्टी निकाल लेते हैं. सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे इतना सारा पानी भर चुका है. और
यहीं का निकालूंगी अभी मैं मिट्टी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है डंडा है एक, तो यहाँ से कोई तो निकाल लेते, तो मैं भी इस तरीके से करके निकाल लेती हूँ। ये देखिए वो जा रहा है वैसे, और इधर तो पूरा पानी भर गया है। देखिए अब यहीं का निकालना पड़ेगा, फिलहाल निकाल लेते हैं। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. So friends, हम लोग ना मिट्टी लेके आ गए हैं किचन रूम के पास। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा पानी भर गया था जहाँ से हम लोग मिट्टी लाते हैं वो वाला उसमें। और आज हम हमारे किचन रूम में सभी तरफ पोती करेंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैं एक बाल्टी मिट्टी लेके आ गई हूँ, और अभी पहले झाड़ू वगैरह लगाएंगे, फिर शुरू करेंगे हमारा काम। फ्रेंड्स फाइनली मैंने पोताई कर ली हूँ। सो ये देखिए मस्त दिखाना है, लाल लाल सभी तरफ। तो इधर मतलब उस दिन लिपाई करी हूँ ना, तो इस वजह से अच्छे से वो नहीं हुआ है। तो दो तीन दिन और यहाँ पे पोताई करने के बाद ना यहाँ पे भी मस्त दिखेगा वैसे, तो कलर मस्त आएगा यहाँ पे भी। और इधर आप लोग देख सकते हो सभी तरफ मैंने अच्छे से पोताई कर दी हूँ। और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये देखिए बहुत ही अच्छा दिखा अब। सो चलिए अब थोड़ा सा हाथ मुँह धो लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गया है पूरे हाथ में। ये देखिए अच्छे से हाथ भी नहीं धोई हूँ मैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हाथ पैर धो लेते हैं, और पूरा बाल्टी वगैरह भी। ये देखिए ये सब भी पूरा मिट्टी मिट्टी हो गए हैं, तो सभी को धो लेते हैं पहले। और हम ना बाड़ी साइड आ गए थे बैठने के लिए, तो मेरे को ना इधर वक्त बिताना अच्छा लगता है, तो बाड़ी साइड तो ज़्यादातर मैं इधर ही मिलती हूँ आप लोगों को, तो अच्छा लगता है मेरे को इधर। तो काम वाम ख़त्म करके मेरे पास आके बैठ गई थी। और अभी शाम भी होने वाला है, 5:30 तो हो गए हैं, और पीछे का व्यू आप लोग देख सकते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। सो अभी हम बनाएंगे खाना, और इसी के साथ ना आज की इस वीडियो को करते हैं एंड। सो आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।